आपके पास पोको एम सिक्स प्रो है या फिर कोई और फोन है तो यहाँ पे आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन का पासवर्ड सेट कैसे कर सकते हैं अपने फोन में तो इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है आपको इस टाइप से ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड है इस पे क्लिक करना है इसे ऑन कर देना है अब यहाँ पे ना ये कह रहा है कि आप अपना पहले पिन कंफर्म करें फोन का लॉक तो जो फोन का लॉक है वो एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे ना आप अपनी मर्जी का कोई भी पैटर्न लॉक सेट कर सकते हैं तो मैं सेट कर देती हूँ ये वाला दोबारा से एंटर करेंगे ये वाला दोबारा से एंटर कर दिया मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब साइमी शाउमी अकाउंट साइन इन अभी नहीं करना है मेरे को तो नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे अदरवाइज आप ऐड भी कर सकते हैं शाउमी अकाउंट यहाँ से प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड आप बंद कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं पैटर्न लॉक इसका शो कर सकते हैं या हाइड और यहाँ पे शाउमी अकाउंट ऐड कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको लगाने का फायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे फोटो अपनी फाइल अपने नोट्स अपने मैसेजेस हाइड कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को कुछ फाइ फोटो हाइड करनी है यूज़ पे क्लिक कर देंगे मेरी गैलरी में ये फोटो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है ठीक है इसे सेलेक्ट कर लिया अब यहीं से आप हाइड कर लेंगे इसको एड टू तो एल्बम और प्राइवेट एल्बम ओके ये हाइड हो गया है अच्छा फोटो वीडियो तो हाइड हो गई है तो अब इसको देखने के लिए क्या करना है आपको यूज़ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका एल्बम और फोटो गैलरी ऐसे खुल जाएगी तो यहाँ पे ना जब एल्बम पे रहेंगे आप तो ऐसे करके डाउन करेंगे और छोड़ देंगे तो आपसे आपका लॉक पूछेगा जो प्राइवेट फोल्डर के लिए हमने डाला है तो देख सकते हैं ये रही है आपकी फ़ोटो अब इसको री रिस्ट, री करना है आपको मतलब वापस से आपको गैलरी में डालना है तो इस पर क्लिक करके आप कैमरे में से लिया था आपने इस पर क्लिक कर देंगे कैमरे पे और बैक कर देंगे और जब आप गैलरी में जाके देखेंगे तो आपका गैलरी में फ़ोटो वापस आ चुका है आप यहाँ पे ना डायरेक्टली अगर गैलरी में से आते हैं तो गैलरी में से भी ये सेटिंग कर सकते हैं जैसे आप ऐसे स्लाइड करेंगे ना और ऐसे करेंगे और अपना लॉक एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेट फ़ोटो दिख जाएगी लेकिन अभी तो हमने कोई फोटो प्राइवेट ही नहीं की तो इसको कर लेते हैं यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट करके ऐड टू एल्बम प्राइवेट एल्बम ओके हो गया देखना है तो वापस से इस पर जाएंगे ये देख सकते हैं ये रहे प्राइवेट फ़ोटो अब वापस से हम इसको आ, ऐसे करके कैमरा में डाल देंगे तो इस टाइप से हाइड एंड हाइड कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार